अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप छुट्टियों में पढ़ भी रहे होंगे। चलें आप लोग अपनी उर्दू की बुक निकालें और उसका पहला लेसन खोलें, हम्द। ठीक है, आप लोग को पता है हम किस नज़म को कहते हैं? हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ हम्द की रीडिंग करेंगे। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा, जिसने ज़मीन पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू रंग शरारे, जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब हैं तुम्हारे, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। अब वन क्लास आप लोगों ने क्या करना है, मैं इस नज़म के मुश्किल अल्फाज आप लोग को लिख कर दिखा रही हूँ। आपने इसी तरह अपनी नोटबुक पर इन अल्फाज को 3 टाइम्स खुशखत लिखना है। सबसे पहले आपने कॉपी के ऊपर लिखना है, नज़म का नाम हम्द। मैं आपको फिर बता रही हूँ, नाम हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, और अब हमारे पास जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है प्यार। अब देखें, पेजेर ये पी, वे के 3 नुक्ते लगाएंगे, ये लिफ पेजेर ये पी ये लिफ या रेमा कुफ प्यार। उसके बाद इशारा, अलीफ से ई, शीन अलीफ शा रेहे रा इशारा। इसके बाद नून जबर जोए नज़, सोए अलीफ सा नज़ा रेहे रा नज़ारा। उतारा, अलीफ पेश ओ तेलिफ का रेहे रा उतारा। खुद, हे पेश हो दालमा, हे पेश बहु दालमा कुफ खुद। कितना, काफ जेर ते कित नून लिखना कितना। शुमार, शीन पे शु मीम अलिफ मा रे मा कुफ शुमार। उसके बाद देखें, फे पेश व फू ला मा कुफ फूल। बनाए, ये जबर नून बन नून अलिफ ना हमजा बढ़िए ए बनाए। इसके बाद देखें, तितली तेजे तित तित लाम छोटिए ली तितली। उसके बाद देखें, जुगनू जीम पेश गप चुप नून वानू जुगनू। रे जबर नून रंग गफ मकुफ रंग। इसके बाद देखें, लफ्ज है हमारे पास शरारे, शीन जबर रे शर रेलिफ रा शरा रे बढ़िए रे शरारे। उसके बाद है जगमग, जीम जबर गफ जग नीम जबर गफ मग जगमग। जगमग के बाद देखें, सितारे सिन जबर ते सित रेलिफ ता रे बढ़िए रे सितारे। अब है तुम्हारे, ते पेश तुम मेह ते पेश तू मेह मेलिफ मा रे बढ़िए रे तुम्हारे। हाँ जी, आपने इन अल्फाज को खुशखत करके 3 दफ़ा अपनी नोटबुक पर लिखना है, यानी एक लफ्ज़ को एक लाइन पर 3 टाइम्स आप लोग राइट करेंगे। उसके बाद आप अपनी बुक की एक्सरसाइज खोलेंगे, देखें पढ़ें। अब ये अल्फाज जो मुश्किल लिखे नज़र आ रहे हैं आपको, इनकी आपने रीडिंग करनी है। प्यारा बनाए नज़ारा जुगनू तुम्हारे ज़मीन चांद और कहा। अब देखें लफ्ज़ बनाएं, लफ्ज़ आप लोगों ने कैसे बनाने हैं? हरूफ, आपको पता है ना हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। आपको ये हरूफ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आपने इनको मिलाकर लफ्ज़ बनाना है, लफ्ज़ बनाएं। ठीक है, देखें हरूफ देखें कौन से हैं, फे फे वाव लाम
अब ये तीन हरूफ मिलकर क्या लफ्ज बनाएंगे? फूल। फे पेश व फू लामा कुफ फूल। उसके बाद है भे। भे रे अलिफ। अब देखें भेरे भर रेलिफ्रा, क्या वर्ड बना? भरा। उसके बाद देखें जे मीम छोटी ये नून। अब देखें से मीम का सिरा बनाएंगे, इसके साथ छोटी ये का सिरा बनाएंगे, इसके नुक्ते लगाएंगे और इसके साथ नून मिलाएंगे, ये बन गया जमीन। उसके बाद देखें जुगनू, जीम काफ नून वाव। अब कैसे लफ्ज बनाएंगे हम? जीम पेश वजू, जीम पेश गुग, नून वानू जुगनू। उसके बाद देखें प्यार, पेजेर ये पी, पे के साथ ये का सिला बनेगा, इसके साथ हम अलिफ मिलाएंगे, पेजेर ये पी ये लिफ या पिया रेमाकुफ प्यार, पेजेर ये पी ये लिफ या रेमाकुफ प्यार। उसके बाद देखे है लफ्ज सीन ते अलिफ रे पढ़िए, ये हरूफ मिलाने से क्या लफ्ज बनेगा? सितारे। सीन से सी ते लिखता सिता रे बढ़िए रे सितारे। उसके बाद हरूफ देखिए हमारे पास कौन से हैं, नून सोए अलिफ रे हे। ठीक है, पहले हम नून का सिरा बनाएंगे, उसका नुक्ता लगाया, उसके साथ हम जोए बनाएंगे, नून जब जोए नज जोए लिप्सा नजा रेहेरा, क्या वर्ड बना? नजारा। उसके बाद देखें तितली, तितली के हरूफ को हम लिख रहे हैं ते फिर ते तेजे तित फिर है लाम फिर है छोटी है। हाँ जी, सबसे पहले हम ते का सिरा बनाएंगे, इसके साथ दूसरी ते का सिरा बनाएंगे, तेजे तित डॉट नजर आ रहा है ना, लाम छोटी ली तेजे तित लाम छोटी ली तितली। उसके बाद देखें हरूफ है हमारे पास ते मेह, मीम है मेह अलिफ रे बड़ी, ये हरूफ हम मिलाएंगे तो क्या लफ्ज बनेगा हमारे पास? अब देखें ते पेश तू मेह लिफ मा तुम्हा रे बड़िए रे तुम्हारे। हमारे पास लास्ट हरूफ है अलिफ शीन, आपको पता है शीन के तीन सिरे होते हैं, इसके डॉट लगाए नुक्ते अलिफ रे हे। अब देखिए अलिफ शीन के सिरे के साथ हमने अलिफ को मिलाया, अलिफ शीन अलिफ शाह रेहरा इशारा। अब देखिए उसके बाद है जिन अल्फाज की आवाज़ें एक दूसरे से मिलती हैं इनको आपस में मिलाएं। अब आप ये यहीं पर देखें जग, जग के साथ आपको ये रेड लाइन नज़र आ रही है, ये किसके साथ मिली हुई है? मग के साथ, मीम जबर गफ मग। अब इसके आखिर में गाफ की आवाज़ है और मग के आखिर में भी गाफ की आवाज़ है, ठीक है, जग मग यानी दोनों की लास्ट में गाफ की आवाज़ आ रही है, दोनों की आवाज़ मैच हो रही है। इसी तरह आपने हर अल्फाज को उसकी मिलती हुई आवाज़ वाले लफ्ज़ से मिलाना है। देखिए अब हेरे हर, आखिर में रे की आवाज़ आ रही है। अब नज़ारा देखें, हर नज़ारा आवाज़ मैच नहीं हो रही। नीचे आ जाएं, मग पहले ही जग के साथ मिला हुआ है, फिर सितारे रे बढ़िए रे रे की आवाज़ आ रही है, रे बढ़िए की नहीं मैच हो रही। हर हे जबर रे हर, अब देखें पे जबर रे पर आवाज़ मैच हुई, हो रही है ना आवाज़ मैच, हर को हम पर के साथ मिला देंगे। अब देखें थर्ड है हमारे पास इशारा, इशारा अब पहले लफ्ज़ के साथ देखें नज़ारा रह और इशारा, इसके बाद लास्ट में भी रह की आवाज़ आ रही है, मैच हो रही है, इसे इसके साथ मिला दें, ठीक। फिर है प्यारे, अब एक ही लफ्ज़ बचा है सितारे, रे बढ़िए रे रे की आवाज़ आ रही है, दोनों के आखिर में रे बढ़िए रे है, आवाज़ मैच हो रही है, इसे हम इसके साथ
मैच कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पेज पलटिए, हमारा ये लेसन हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक्सरसाइज भी हो गई, रीडिंग भी हो गई, मुश्किल अल्फाज भी मैंने आपको लिख के दिखा दिए। मुश्किल अल्फाज की आपने क्या करनी है, इमला तैयार करनी है, और होमवर्क के लिए आपने इसे नोटबुक पर 3 टाइम्स प्यारा प्यारा राइट करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ वाहिद जमा। वाहिद देखिए, वाहिद जमा, वाहिद जमा, हाँ जी। आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी वाहिद जो होता है वो कहते किसे है। वाहिद कहते एक चीज को, ठीक है, जो एक चीज होगी उसे हम कहेंगे वाहिद। और जमा जो है, जमा हम कहते हैं दो या दो से जितनी भी ज्यादा चीजें हो वो जमा कहलाएंगी। दो या दो से ज्यादा चीजों को हम वाहिद कहेंगे, ठीक है। एक चीज को, सॉरी, दो या दो से ज्यादा चीजों को हम जमा कहेंगे। वाहिद कहते हैं एक चीज को और जमा कहते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों को। अब पहला लफ्ज है हमारे पास, देखिए मैं वाहिद अल्फाज लिख रही हूँ, लड़का, बस्ता, दाना, ताला और बेटा, ये सारे क्या है, वाहिद है। लड़का एक लड़का, ठीक है, बस्ता, दाना, ताला, बेटा। अब हमने इसके वाहिद के, इन वाहिद के जमा बनाने हैं। अब लड़का, इसकी जमा क्या होगी, लड़के, यानी दो से, दो या दो से ज़्यादा लड़के ने हम जमा कहेंगे। बस्ता, बस्ता की जमा होगी बस्ते। अब आप बस्ते लिखते हुए ध्यान रखना, बे का एक सिरा होगा, उसके साथ तीन सीन के सिरे और फिर ते बढ़िए ते, बस्ते। इसी तरह दलता, नून बढ़िए ने दाने, तेलिफ्ता। अब ये जो लाम अलिफ ला है ये वाहिद है। जमा के लिए हम क्या करेंगे, लाम बढ़िए ले, यानी दो या दो से ज़्यादा ताले, ये जमा, ठीक है। बेटा, इसकी जमा होगी बेटे, एक जेर ये बेट, ये बढ़िए टे, ये देखें तीन सिरे, एक बे का, एक ये का और ये टे बढ़िए टे, बेटे, ठीक है। ये वाहिद जमा भी आपने होमवर्क में लिखने है। और अवन क्लास एक बात और सुन लें आप लोग, जो आप लोगों को छुट्टियों से पहले होमवर्क मिला था वो आप लोगों ने अभी जमा नहीं कराना स्कूल, वो जब आप लोग स्कूल आएंगे, जब स्कूल रीओपन होगा तो आप होमवर्क अपने साथ लेकर आएंगे, वो तब चेक होगा और उसके वो मार्क्स सालाना इम्तिहान में शामिल होंगे। अब जो आपने होमवर्क जमा करवाना है वो ये जो हम लेक्चर आपको दे रहे हैं, इसमें जो आपके समय काम लगा रहे हैं हम, ये आप घर बैठ के करेंगे। और वीकेंड के लास्ट डे यानी सैटरडे को आप 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जमा करवा सकते हैं स्कूल में, ठीक है। ये जो होमवर्क हम आपको देंगे ये अब आपने स्कूल में जमा कराना है, जो पहले दिया है वो जब आप स्कूल आएंगे तो अपने साथ लेकर आएंगे, ठीक है। ये जो आपने, आपको हमने पढ़ाया है, इसे अच्छे तरीके से तैयार भी करना है और जो काम लिखने के लिए दिया है वो खुशखत करके लिखना भी है, और फिर सैटरडे को आपने जमा करवाना है स्कूल में, और ये होमवर्क आपको चेक होकर मिलेगा, फिर आप लोग स्कूल से ले लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।